हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जानी बोल रहा होता है गाइस, तो हाँ मुझे है थोड़ा बहुत विश्वास, पर विश्वास सिर्फ थ्योरी बेसिस पे ही है। मुझे चिंता की अकेडमी और टांग सेक्ट कुछ ज्यादा उम्मीदें लगा के बैठा मेरे ऊपर। अगर मेरा प्लान काम नहीं किया तो चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो एपिसोड नंबर 184 की स्टार्टिंग होती है। वुलिन बोल रहा होता है, अगर सही तरीके से बोलूँ तो मुझे भी पूरे तरीके से विश्वास नहीं है कि तुम ड्रैगन गॉड बन सकते हो, क्योंकि जो गॉड किंग का बर्थ होता है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। पर जो एडवांटेजेस तुमने बताए कि अगर तुम ड्रैगन गॉड बन जाओगे तो क्या क्या होगा, तो वही काफ़ी हैं एक तरीके से अकेडमी और टांग सेक्ट को मनाने के लिए। और ये बात भी जो तुमने बोली कि ड्रैगन राइजिंग पिलर जो है वो पक्का ही एक सुपर आर्टिफैक्ट होगा ड्रैगन गॉड का। और अगर मैं सही गैस करूं तो मैं भी शायद ड्रैगन सिमेट्री में गया था एक बार, मतलब ड्रैगन रेलम में। जॉनी बोल रहा था तो मैं पता है उसके बारे में। वुलिन बोल रहा होता है क्योंकि जो स्मॉल स्पेस था वो पहले यहाँ पे भी एग्जिस्ट करता ही था, मतलब यहाँ से एक गेट टाइप जो कि ड्रैगन रेलम में लेके जाता था, उस टाइम पे मैं गया था उसके अंदर और मैं 3 साल रहा था वहां पे काफी ज्यादा ड्रैगन की बोन्स दफनाई हुई है। उस टाइम पे मैंने भी काफी ज्यादा बेनिफिट्स पाए थे जिससे एक तरीके से मैं स्ट्रॉन्ग हुआ, मेरी फाउंडेशन तैयार हुई थी। जॉनी बोल रहा होता है अगर दूसरे वर्ड्स में बोला जाए तो ड्रैगन सिमेट्री ड्रैगन रेलम सच में है। वुलिन बोल रहा होता है हाँ वो सेम स्पेस होगा, वो स्पेस डैमेज हो गया था यहाँ से, मतलब एक तरीके से जो गेट था वो टूट चुका था क्योंकि तुम्हारी मदर ने कुछ इंपॉर्टेंट चीज वहां से ले ली थी। मुझे पता नहीं था वो चीज क्या है, मुझे पता ही नहीं कि क्या था वो, पर इतना मैं श्योरिटी से बोल सकता हूँ कि वहां पर ड्रैगन गॉड की बोन्स भी होंगी। जब मैं गया था स्पेस के अंदर तो मैं कुछ ज्यादा कमजोर था, इसीलिए मैं अच्छी चीजें नहीं ले जा पाया। जो गेट था वो शायद यहाँ से गायब होने के बाद उसने टियानलोंग स्टार को चूज कर लिया। अगर मैं सही गैस करूं तो जो डायमेंशन है गेट है एक तरीके से, वो सिर्फ ड्रैगन गॉड की इच्छा के ऊपर गया टियानलोंग स्टार में। जॉनी बोल रहा होता है कि ड्रैगन गॉड की इच्छा, इसका मतलब प्रीवियस ड्रैगन गॉड जिंदा है। वुलिन बोल रहा होता है काफी ज्यादा गॉड किंग के अटैक की वजह से उसे 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, गोल्डन ड्रैगन किंग में और सिल्वर ड्रैगन किंग में। अगर वो मरा नहीं होता तो गोल्डन ड्रैगन किंग भी नहीं होता और सिल्वर ड्रैगन किंग भी नहीं होता। इससे हम पता लगा सकते हैं कि गॉड किंग कितना ज्यादा पावरफुल होता है। और ये बात भी है कि गोल्डन ड्रैगन किंग और सिल्वर ड्रैगन किंग है, इसका मतलब कि ड्रैगन गॉड भी है अभी। असली में कोई डेथ हुई नहीं है उसकी, बस उसकी जो कॉन्शियसनेस थी वो चली गई है। और इस स्टार से ड्रैगन सिमेट्री का जो रास्ता था वो इसीलिए टूटा, शायद तुम्हारी मदर की वजह से, मतलब पहले यहाँ पे था वो तुम्हारी मदर की वजह से था एक तरीके से। तुम्हारी जो मदर है और मैं हूँ वो सेम नहीं है, मैंने सिर्फ गोल्डन ड्रैगन किंग का जो एसेंस है उसे एब्जॉर्ब किया है। तुम्हारी जो मदर है वो असली सिल्वर ड्रैगन किंग है। शायद गोल्डन जो ड्रैगन गॉड था उसने ऑरा फील कर लिया था तुम्हारी मदर का ड्रैगन सिमेट्री में, इसीलिए हम एक तरीके से डूला स्टार में आए और डूला स्टार को चूज किया रहने के लिए। तुम्हारी मदर ने शायद कुछ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वहां से ली हुई है, इसी वजह से जो डायमेंशन थी गेट था वो एक तरीके से अनस्टेबल हो गया और टूट गया लास्ट में। अगर वो ड्रैगन गॉड बनना चाहती है तो उसे मेरे को खाना पड़ेगा। इस तरीके से गोल्डन ड्रैगन किंग और सिल्वर ड्रैगन किंग मिल जाएंगे दोनों और फाइनली ड्रैगन गॉड पैदा होगा। पर हम दोनों के रिलेशनशिप की वजह से तुम्हारी मदर ने गिव अप कर दिया आइडिया और वो मेरे गोल्डन ड्रैगन स्पेयर के हाथों मर गई। उस टाइम पे भी जो ड्रैगन सिमेट्री थी वो अलग नहीं हुई थी एक तरीके से, उस टाइम पे तुम्हारी जो मदर थी और मैं था वो अलग अलग साइड पे थे एक तरीके से। मैंने अपनी जिंदगी उसके लिए सैक्रिफाइस कर दी ताकि हम कभी सेपरेट ना हो, क्योंकि हम दोनों मर चुके थे उस टाइम पे। बात यही थी कि मुझे नहीं पता था उस टाइम पे तुम उसके अंदर थे, अगर हमें पता होता कि तुम थे तो हम कभी लड़ते ही नहीं। अगर चीजें मुश्किल भी होती फिर भी हम सब कुछ चीजों को गिव अप कर देते और तुम्हारे लिए जीतते। जब तुम पैदा हुए उसी टाइम पे तुम हमारी एबिलिटीज को भी रखते हो अपने पास, एक तरीके से तुम कॉम्बिनेशन ही हो गोल्डन ड्रैगन किंग और सिल्वर ड्रैगन किंग के, इसलिए फाउंडेशन ही हो तुम ड्रैगन गॉड बनने की, मतलब सब कुछ है तुम्हारे पास। प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि एनर्जी का सोर्स कहाँ से लाया जाए। जो ड्रैगन सिमेट्री है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे तुम्हें जाना पड़ेगा। अगर तुम वहां पे ड्रैगन गॉड की बोन्स यूज करोगे तो काफी हेल्प मिलेगी तुम्हें एक तरीके से ड्रैगन गॉड बनने के लिए। साथ में तुमने ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब किया है तो काफी कुछ तुम पा चुके होगे, मतलब तुमने अचीव किया ही है। तुम्हारी स्टोरी को अगर मैं ध्यान से सोचूं तो मुझे लगता है कि जो ड्रैगन राइजिंग पिलर है वही एक ऐसी एग्जिस्टेंस है जो कि गेट को मेंटेन करके रख रही है ड्रैगन रेलम की तरफ, क्योंकि मैं फील कर सकता हूं कि जो लाइफ एनर्जी है टियानलोंग स्टार में वो काफी ज्यादा है। ये सिर्फ ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म की वजह से ही हो रहा है मुझे लगता है। ये सब कुछ ड्रैगन गॉड का ही प्लान था, उसी वजह से जो ड्रैगन सिमेट्री है वो उस जगह पे डाली गई। ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड स्टार्ट हो गया और जो बाकी रेसेस थी
थी वो ड्रैगन्स में कन्वर्ट होने लग पड़ी और नए ड्रैगन्स आए। इसलिए अगर तुम्हारे प्लान सक्सेसफुल हो जाएंगे और तुम ड्रैगन गॉड बन जाओगे तो जितने भी नए ड्रैगन्स और ड्रैगन नाइट्स है वो तुम्हारे सामने झुक जाएंगे। ये परफेक्ट सिचुएशन है, इससे हम ड्रैगन हॉर्स गैलेक्सी को अपना बना सकते हैं बिना खून खराबे के। फिर इम्पॉसिबल नहीं होगा एक तरीके से गॉड रियलम को बनाना। ये लो इसे अपने साथ लेके जाओ, वो एक ट्रेजर देता है ज्वानियों को। ज्वानी सोच रहा होता है ये ब्रेसलेट, इससे तो काफी ज्यादा फैमिली एनर्जी आ रही है। वुलिन बोल रहा होता है उस टाइम पे, मैंने ड्रैगन्स को बरी किया था हजारों दिन तक ड्रैगन सिमेट्री में, ऐसे में काफी ज्यादा कमजोर था पर उस टाइम पे बेनिफिट भी मैंने काफी ज्यादा पाया है। जाने से पहले मुझे ये जो जैम है ये मिला, ये जो जैम है ये काफी ज्यादा अच्छा कनेक्शन देता था मुझे ड्रैगन सिमेट्री के साथ, और ऐसा शायद ये ड्रैगन सोल को समन कर सकता है। ज्वानी ऐसे फील कर रहा होता, सोच रहा होता ये ऐसा लग रहा है काफी ज्यादा लिविंग बींग्स है इसके अंदर, काफी ज्यादा कॉन्शियसनेस है जिसमें अलग अलग इमोशंस मुझे फील हो रहे हैं। मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि मेरे ब्लड लाइन के हिस्से हैं। ये फीलिंग काफी ज्यादा अच्छी है। मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे मैं वर्चुअल डूला वर्ल्ड में जा चुका हूँ, मेरी कॉन्शियसनेस कहीं से कनेक्ट हो रही है ऐसा लग रहा है मुझे। हमें फिर से ड्रैगन हॉर्स गैलेक्सी का सीन दिखाया था, वहाँ पे जो फर्स्ट ड्रैगन नाइट होता है वो बीच में होता है और बाकी सभी ने उसे कवर करके रखा होता है। वो वही टेक्निक यूज कर रहे होते हैं एक तरीके से अपनी एनर्जी को इंक्रीज करने की। सभी ड्रैगन नाइट हैरान होते हैं क्योंकि वो जो पर्पल सी एनर्जी होती है मतलब मिक्स कलर की, वो फिर से बाहर निकलने लग पड़ती है ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म से। जो फर्स्ट ड्रैगन नाइट होता है उसके आसपास भी वो एनर्जी जा रही होती है, जितने भी होते हैं उनके पास भी। ब्लैक ड्रैगन नाइट बोल रहा होता है ऐसे लग रहा है मेरी पूरी बॉडी रिफ्रेश हो गई है। बाकी बोल रहे होते हैं कि जो ब्लड लाइन है वो एक तरीके से शांत हो रही है। फर्स्ट ड्रैगन नाइट बोल रहा होता है 4 कलर 7 कलर में एक ही दम से बदल गए और ये इफेक्ट काफी ज्यादा सही फील हो रहा है हमारे ऊपर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब शायद ये कि हमारा मेथड सही चल रहा है, हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा, मतलब ब्लड को बाहर निकालना पड़ेगा कंटिन्यूसली। फिर मैं ज्वानी दिखाई देता है, वो भी ऐसे ही एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा होता है, सोच रहा होता है कि यही पिक्चर आ रही है मेरे दिमाग में ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म की। क्या डोर है क्या एक लाइट की बीम के नीचे? एक डोर जैसी मतलब फीलिंग आ रही है, ऐसा लग रहा है वो डोर मेरे को बुला रहा है। उसे काफी ज्यादा ड्रैगन फील होते हैं। फिर वो उठ जाते और बोलते हैं कि डैड तुम सही बोल रहे थे, ड्रैगन रियलम ही शायद ड्रैगन सिमेट्री है। वो मुझे ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म में जाने के लिए बोल रहे और ड्रैगन रियलम में एंटर करने के लिए बोल रहे ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू। वुलिन बोल रहा होता है हाँ ये सही है, इस ब्रेसलेट से ड्रैगन रियलम एक तरीके से तुम्हें पहचान लेगा, पर ध्यान देना बिना प्रिपरेशन के वहाँ पे मत जाना। जॉनी बोल रहा होता है मैं समझता हूँ, जब मैंने ड्रैगन राइजिंग कंपटीशन में लास्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था तो मैंने एक्चुअली में ड्रैगन राइजिंग पिलर की एनर्जी को अब्सॉर्ब किया था। अगर मैं गॉड रियलम को मतलब गॉड लेवल को अचीव करना चाहता हूँ तो ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म बेस्ट चॉइस है, पर मेरे ब्रेक थ्रू करने से पहले मुझे ड्रैगन नाइट से सपोर्ट चाहिए। इस तरीके से अगर कोई चीजें खराब भी होंगी मेरे ब्रेक थ्रू के टाइम पे तो चीजें मुश्किल नहीं होंगी, डेंजरस नहीं होंगी। वुलिन बोल रहा होता है अगर जो तुम सोच रहे हो वो तुम कर पाओगे तो जो तुमसे जेलस है वो तुम्हें हार्म करने की कोशिश करेंगे, पर जो तुम्हें एज अ सक्सेसर मानते हैं वो तुम्हें आगे की तरफ बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर तुम बढ़ोगे तो ही ड्रैगन क्लैन भी आगे बढ़ेगा, वो पूरे तरीके से तुम्हारी हेल्प करेंगे। तुम्हें बस यही करना है कि जो उन लोगों के साथ रहना है जो तुम्हें एक तरीके से आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, यही सेफ तरीका होगा। वुलिन बोल रहा होता है ठीक है। फिर हमें सीगोट पेविलियन का सीन दिखाया था, एल्डर बोल रहा होता है पेविलियन मास्टर, इससे जवानी और बाकियों के ऊपर कुछ ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। पेविलियन मास्टर बोल रही होती कि प्रेशर भी एक तरीके से मोटिवेशन है, तुमने वीडियो तो देखी होगी मैच की है ना? एल्डर बोल रहा होता है हाँ अल्टीमेट बैटल की तरह थी, मैंने सुना कि फेडरेशन ने काफी ज्यादा लोगों को पनिश किया है क्योंकि उन्होंने वीडियो लीक कर दी थी। सीगोट पेविलियन के मास्टर बोल रही होती कि सीक्रेट रखना ही पड़ना है, पर ज्वानी को ज्यादा ओवर प्रोटेक्ट भी नहीं करना है। जिन्होंने देखी है वीडियो उन्हीं को पता की कितनी ज्यादा पावर है इन बच्चों के पास, टीचर और स्टूडेंट्स को नहीं पता इनर कोर्ट यार्ड के, तो ये एक तरीके से अपॉर्चुनिटी है ज्वानी शो ऑफ कर सकता है। पर सेम ही टाइम पे उसके जो फ्रेंड्स हैं वो कुछ ज्यादा दब गए हैं उसकी एग्जिस्टेंस की वजह से, उसके फ्रेंड्स को भी अपने आप को दिखाना पड़ेगा क्योंकि उनके पास भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो शर्क के 7 मॉन्स्टर्स हैं। ये टाइटल ओनर को रिप्रेजेंट नहीं करता है पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता ही है, इन्हें सभी को दिखाना पड़ेगा कि क्या स्ट्रेंथ है इनके पास जो कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने शोल्डर्स के ऊपर ले सकते हैं, वरना अगर अकेडमी मान भी जाएगी फिर भी वो असली शर्क के 7 मॉन्स्टर्स नहीं बन पाएंगे। एल्डर बोल रहा होता लांस ऑन यू बाइजुजू टांग यूगे, ये कन्फर्म्ड है ये टाइटल डूलाओ के लेवल पे है, ये ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, पर बाकियों के लिए जो बाकी 4 है उनका मुश्किल हो जाएगा। पेविलियन मास्टर बोल रही होती है कि शर्क के 7 मास्टर्स मतलब मॉन्स्टर जो होते हैं ये कंप्लीट 7 ही होते हैं, अब उन्हें करना ही पड़ना कुछ ना कुछ, अब मैच का इंतजार कर सकते हैं हम, तभी हमें पता लगेगा कि एक्चुअल में होता क्या है। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, अब नेक्स्ट लाते हैं कुछ दिनों में, तब तक के लिए मिलते हैं आपसे, बाय।